Welcome everyone. So in the last class we have seen the relative atomic mass and we have seen the AMU to like AMU was the unit to measure the mass because we were not able to actually measure the absolute mass of any particle because in chemistry the particle they are having very very insignificant masses. So that is why we are trying to actually calculate the relative mass and then we will able to find out the absolute exact mass by using the atomic mass unit AMU. Correct? So today we'll discuss about the mole. What is the mole concept? What is this mole? हम लोगों ने बहुत सुना है मोल के बारे में, काफी चर्चा में रहता है, कंफ्यूजन भी बहुत सारे रहते हैं हमको, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि मोल है क्या, क्योंकि हम देखते हैं कभी ये मोल नंबर की तरह यूज हो जाता है, कभी इसको हम मास में यूज करते हैं, इसका तो वॉल्यूम में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, ये हर जगह रहता है और आपको पूरे केमिस्ट्री में ये दिखेगा. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल्स इसको समझाऊंगा. जैसे अभी मैं आपसे अगर कहूँ कि आपको अभी सब्जी मंडी जाना है, सॉरी फल मंडी जाना है और वहां से आपको भी बनाना लाने हैं, केले लाने हैं, तो खैर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी आप तो नहीं जा पाएंगे, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग में जाइए अगर आपको कुछ भी खरीदने हो. तो आप अगर बाहर जाते हैं केले खरीदने के लिए, बनाना लेने के लिए, तो आपको वो बनाना कैसे मिलता है? यस, आप उसे बोलते हैं कि मुझको एक दर्जन बनाना दे दीजिए, एक डजन बनाना, दो दर्जन बनाना दे दीजिए. तो यहाँ पर ये जो दर्जन या जो डजन है ये क्या एक्चुअली सिग्निफिकेंस दे रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये एक काउंटिंग यूनिट है. आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैं एक डजन बोलूं इसका क्या मतलब हुआ, 12 केले हुए. ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे ढेर सारी काउंटिंग यूनिट है. जैसे कि दो चीजों को हम क्या बोलते हैं, पेयर है. दस, जब हम 10 साल को क्या बोलते हैं, एक डेकेड बोलते हैं. तो ये जो चीजें होती हैं कि हम कुछ फिक्स नंबर को हमने क्या बोल दिया, एक काउंटिंग यूनिट बोल दिया. तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में, वो बहुत छोटे होते हैं. एग्री करते हैं आप लोग? और इसके साथ ही साथ उनकी जो क्वांटिटी होती है, वो जो नंबर बहुत ज्यादा होते हैं. अगर मैं आपको छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया दूं, उसमें मिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे. तो इसके लिए अगर हमें उनको काउंट करना है जो कि मिलियंस और बिलियंस में है, अगर उन्हें काउंट करना है, क्या हम इस डजन से काउंट कर पाएंगे? क्या कोई नॉर्मल मेथड से हम उनको काउंट कर पाएंगे? नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप में बड़ा. जो कि हम क्या चाहते हैं केमिस्ट्री में, किसी चीज को स्टडी करने के पर्पज क्या होता है, चीजों को और इजी बनाना. करेक्ट, तो इसीलिए हम भी एक बड़े नंबर को एक यूनिट बना लेते हैं, बड़े नंबर को एक यूनिट बना लेते हैं. वो फिक्स होगा, क्या बोला मैंने, वो एक फिक्स नंबर होगा जिसको हमने एक यूनिट बना दिया. अगर उस नंबर के बराबर कहीं पार्टिकल है तो हम बोलेंगे ये जो है ये इतना एक मोल के बराबर है. करेक्ट, तो मैंने क्या बोला सबसे पहली चीज कि जो मोल होता है, मोल कुछ और नहीं है, मोल एक काउंटिंग यूनिट है, मोल एक केमिकल काउंटिंग यूनिट है. करेक्ट, इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनको काउंट करने के लिए यूज करते हैं. आप और भी चीजें काउंट कर सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर होता है जिसके कारण ये केमिस्ट्री में एप्लीकेबल होता है. आप इससे और चीजें काउंट करने में इसका यूज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं. तो आइए देखते हैं मोल के बारे में. तो पहला पॉइंट हम इस पर देखेंगे, मोल इज अ केमिकल काउंटिंग यूनिट. ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, और हम इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर ये जो केमिकल काउंटिंग यूनिट है, जो कि एक फिक्स नंबर होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, ये नंबर होता कितना है और इसको कैसे हम मान लेते हैं कि इसको एक मोल, हम इसको एक मोल बोलेंगे. ये जो बहुत बड़ा नंबर होता है एक मोल, ये कैसे आता कैसे है, ये हम देखेंगे. तो इसका जो डेफिनेशन होता है एक मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं. सो एक वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एज मेनी नंबर ऑफ एंटिटी एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप. मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक मोल जो रहता है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एंटिटी का जो एक मोल होता है, वो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसके बराबर होता है. यहां पर हमने C12 के 12 ग्राम एटम को हमने क्या लिया है, C12 को स्टैंडर्ड लिया है,
उसके 12 ग्राम में हमने कैलकुलेट करा कितने एटम होंगे, उसको मैंने बोल दिया ये एक स्टैंडर्ड है। रीजन सेम है क्यों हमने C12 आइसोटोप को लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था C12 जो है वो नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सो दैट इज अ वेरी गुड आइडिया टू टेक इट एज स्टैंडर्ड, करेक्ट। 12 ग्राम ऑफ C12 कितना होता है, ठीक है। वन मोल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, मैंने ये एग्जैक्टली वर्ड यूज करा है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, दिस इज द डेफिनेशन। सो अगर हमको ये किसी तरीके से पता चल जाए कि C12 का जो 12 ग्राम होता है इसमें कितने एटम होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि एक मोल इतना होता है और उसको हम आगे यूज करेंगे एज ए स्टैंडर्ड। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मास को, एब्सोल्यूट मास को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल से रिलेटेड कोई भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए हमको उनको हम उनसे पता करते हैं। बट ये जो रहता है ये बहुत ही लाइक दैट, मैंने आपको बताया था कि हम इसको हर कॉलेज हर स्कूल के लैब में इसको हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसके लिए ये बड़े बड़े जगहों पर रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमको स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात करनी है, तो हमने क्या करा, हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से ये देखा, हमने ये पता लगाया कि C12 का जो 12 ग्राम होता है इसमें कितने एटम्स होते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हमने देखा इसमें टोटल 6.02 × 10²³ एटम्स होते हैं, करेक्ट। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को ये लगता था कि सर ये तो हमको ये रटना पड़ता है कि एक मोल इज इक्वल टू 6.03 × 10²³, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो ये स्टैंडर्ड लिया गया इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये इतने ही एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई इसको स्टैंडर्ड लिया गया। और मैं अभी आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा भी निकाल के कि ये इतना ही होता है, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि वन मोल जो होता है वो इतना होता है। हम लोग इनको नोटेशन में क्या लिखते हैं, हम इनको लिखते हैं Na, जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, करेक्ट। चलिए ये तो हमको क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो आपके दिमाग में क्या दिखना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ डूइंग ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर यहां पर एक मोल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं मैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कितने इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है, कितने इलेक्ट्रॉन की, इतने इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं एक मोल कार्बन एटम, तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम अभी मौजूद होंगे, अभी तक हम लोग एक एटम की बात कर रहे थे, एटॉमिक मास भी निकाल रहे थे, वो एक एटम के लिए निकाल रहे थे, लेकिन अभी हम थोड़े लार्ज स्केल पे जा रहे हैं, तो वहां पर हमने देखा अभी हम मोल के टर्म्स में बातें करना शुरू कर दिए हैं और आगे आपको मोल के टर्म्स में ही मिलेगा। तो यहाँ एक मोल कार्बन एटम में कितने एटम होंगे कार्बन के, Na एटम होंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर यही मैं आपसे बोलूं दो मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मैंने दो मोल लिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मैंने दो मोल लिया है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें 2 Na मॉलिक्यूल होंगे, कितने 2 Na मॉलिक्यूल होंगे किसके, ऑक्सीजन के। यहां एक बात समझने की है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ ऑक्सीजन में कितने एटम है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है,
दो एटम है, करेक्ट। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, एटॉमिक सिटी की बात आती है। क्या एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एटम कितनी बार आया है वो उस एटम का एटॉमिसिटी कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं Na2CO3, इसमें सोडियम की एटॉमिसिटी कितनी है, इसका क्या मतलब हुआ? सोडियम कितनी बार आया है, कितना एटम सोडियम का प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। तो इसके एक मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 में दो मॉलिक्यूल, दो एटम किसके होंगे? सोडियम के होंगे। एक एटम किसके होंगे? कार्बन के होंगे। और तीन एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। बात आपको क्लियर हुई? मैं आपको यहाँ एटॉमिसिटी इसलिए क्लियर कर दिया कि आगे न्यूमेरिकल्स में ये यूज होते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। देखिए, मोल से रिलेटेड बेसिक चीज आपको समझ में आ गई कि मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। एक मोल अगर मैं किसी चीज का बोलूंगा उसका क्या मतलब होगा? 6.02 × 10²³ वो पार्टिकल। यहाँ पर एक चीज मैंने लिखा हुआ था, एनटीटी लिखा हुआ था। एनटीटी क्या मतलब हुआ? ये क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी। ये समझ में आया? मतलब कि मोल जो है हम इन सब चीजों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। एक मोल एटम मतलब कि 6.02 × 10²³ एटम। एक मोल मॉलिक्यूल मतलब कि 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल। आयन भी वैसे हो जाएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो कि आप ये ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द चार्ज ऑन फर्स्ट, पहला ले लो एक मोल इलेक्ट्रॉन, दूसरा आप क्या ले लो? 5 मोल प्रोटॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे और 5 मोल प्रोटॉन पे कितने चार्ज होंगे? दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम मोल से आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इसको बोलते हैं GaM। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं ये क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास जो रहता है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। यू कैन से ऑल्सो दिस इज द मास ऑफ 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स, सॉरी 6.02 × 10²³ एटम्स। और तो और ये जो ग्राम एटम होता है, ग्राम एटम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अगर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, उस एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिखें, तो वो क्या हो जाता है? वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इसमें देखिएगा, दो चीजें मैंने बोला। पहला चीज मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। पहला चीज मैं ये बोल रहा हूं। दूसरा चीज मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। ये दो चीजें हैं, बात समझ में आ रही है आपको? अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन को एग्जांपल लिया। अभी आप मुझको जरा ये बताएंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अगर हम ऑक्सीजन के एक एटम को लेते हैं तो उसका मास कितना आएगा? हमने पिछले वीडियो में देखे हैं,
तो इसका जो होता है दैट विल कम दिस 16 वॉट 16 एएमयू, क्योंकि अभी हम एएमयू हमको पता चल गया है, तो ये क्या होगा 16 एएमयू होगा। बात सही है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ मास ऑफ वन मोल एटम और दूसरा क्या बोला एटॉमिक मास इन ग्राम, तो अभी मैं देख लेता हूँ कि मास ऑफ वन मोल अगर ऑक्सीजन का मैं एक मोल अगर लेता हूँ क्या उसका मास जो है इसके इक्विवेलेंट आता है अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस करूं। बात समझ आ रहे हैं? ये क्या है, ये इसका एटॉमिक मास है और ये क्या है दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास, करेक्ट। ये इसके एक एटम का मास है, ये इसके एक मोल एटम का मास है। बात समझ आ रहा है? यस। तो अभी हम इसको देख लेते हैं ये रेली कैसे आता है। तो मैंने ऑक्सीजन का क्या लिया है, वन एटम का जो मास होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा 16 एएमयू के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? अभी मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं, मास ऑफ वन मोल, अभी देखिए एक एटम का 16 एएमयू था, अभी वन मोल की बातें कर रहे हैं हम लोग। 16 इंटू वन एएमयू की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट वीडियो हमने देखा था दिस इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 वॉट ग्राम, बट हियर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन मोल, सो हियर वी ऑल्सो मल्टीप्लाई एन ए, वॉट इज द एन ए 6.02 into 10 to the power 23. So I know you all are very good in mathematics. So just pause and just solve this very small this mathematical calculation. And surely you will find here this will come 16 gram. Correct? So here one very important thing, there is a point to be noted that ki, yes. यहाँ पर आपने एक चीज देखा ये इसके इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ एक नोट आप लिख सकते हो 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 माइनस 24 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23, ये क्या होता है, ये 1 के इक्विवेलेंट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। एक चीज आप लोग यहाँ पे गौर करिएगा, दिस इज द वन एएमयू मल्टीप्लाइड बाई एन ए, दिस वन आ रहा है। तो यहां एक चीज आप देख सकते हैं एक एएमयू जो होता है वन अपॉन एन ए के बराबर होता है। ये बातें ग्राम में चल रही है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया जैसे ग्राम एटॉमिक मास, सिमिलर वे में ग्राम मॉलिक्यूलर मास होते हैं। अभी मैं वो भी आपको बता देता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हम इनको बोलते हैं जी एम एम, दोनों पॉइंट सेम है। पहला चीज क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसा कि अगर मैं आपसे बोलूं ऑक्सीजन को मैं लेता हूं, O2 लेता हूं, O2 कितना होता है 32 होता है, 32 क्या एएमयू होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, अगर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है ये कितना आएगा 32 ग्राम। दूसरा क्या पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के एक मोल को अगर लिया जाए तो जो उसका मास होगा, जो उसका टोटल मास होगा वो ग्राम के
उसके मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसके बराबर होता है। तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या इट इज द मास ऑफ 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, या दिस इज द मास एक्सप्रेस इन द ग्राम, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम। तो हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद एक छोटा जिसमें लॉ आता है, गैलुसैक का लॉ आता है। गैलुसैक का क्या रहता है, ये गैलुसैक ये बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब रहता है, एलिमेंट जब कंबाइंड होकर एक नया प्रोडक्ट को बनाता है, तो अगर हम स्पेशली गैस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम दो गैस को लेंगे तो वो गैस जो रहते हैं वो उनके जो एलिमेंट रहते हैं वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर H2 मैं लूं और Cl2 मैं लेता हूं, इससे क्या बनता है, 2HCl बनता है, करेक्ट। ये गैस है, ये गैस है, यहां पर इसका आप देखो ये किस रेशियो में है, 1:1:2, ये एक सिंपल रेशियो में है, इनके एलिमेंट एक मोल H2, एक मोल Cl2, दो मोल HCl। ये बात को आपको समझ आता है, यहाँ जो आगे कोफिशियंट होता है ये उतने मोल को रिप्रेजेंट करता है, ये दो मोल HCl है, या आप कह सकते हो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल HCl के हैं और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल Cl2 है। तो अगर मोल में हम बात करेंगे तो उसी के प्रपोर्शन में ये क्या होगा, सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो गैलुसैक ये बोलते हैं कि अगर हम एक वॉल्यूम की बात करी जाए, अभी तक तो हम लोग मास और मोल में इंटरेस्ट करते हैं, अगर हम वॉल्यूम की बात करें क्योंकि ये गैस है तो वॉल्यूम में बात करना ज्यादा समझदारी होगी, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इनके वॉल्यूम भी इनके सिंपल रेशियो में ही होंगे, इनके वॉल्यूम जो होंगे वॉल्यूम भी सिंपल रेशियो में होंगे, तो ये जो रिएक्शन होगी इनके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होंगी। अगर यहाँ एक वॉल्यूम अगर मैंने लिया है तो इसका भी एक वॉल्यूम होगा और इसका कितना बनेगा, दो वॉल्यूम बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ, एक लीटर ये मिलके दो लीटर ये बनेंगे। दिस वॉज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ गैलुसैक लॉ, ठीक है। अभी इनके बाद हम क्या देखते हैं, इनके बाद हम देखेंगे कि इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा सा और एक्सटेंशन इसमें क्या है, एवोगाड्रो ने अपना एक लॉ दिया था जो कि इम्पोर्टेंट लॉ है। एवोगाड्रो ने क्या बताया था, तो इन्होंने क्या बोला था, इनके भी दो पॉइंट है, जैसे मैं बोलता कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसको पॉइंट वाइज में डिवाइड कर दो कि इसका मेन फोकस किस चीज पे, इन्होंने दो चीजों को फोकस करा था। पहला चीज इन्होंने क्या बताया था, पहला चीज ये बताया था किसी भी गैस का अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नॉट एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे। सेम वॉल्यूम में अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को लिया जाए तो उसमें जो मॉलिक्यूल के नंबर होंगे वो सेम होंगे। बहुत ही अच्छी बात है, आप इसका यूज आगे करेंगे। जैसे क्या है कि अगर मैं यहाँ पर गैस ए लेता हूँ और गैस बी, यहाँ पर दो गैस हमने लिया है, अगर इसका मैंने क्या लिया है, इस 5 लीटर अगर मैंने लिया है और इसका अगर मैंने 5 लीटर लिया है, इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इसमें भी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ये क्या था, ये एवोगाड्रोस लॉ था, ठीक है। तो क्या यहाँ से निकला, जो वॉल्यूम होता है वो किसके प्रपोर्शनल हुआ, ये मोल के प्रपोर्शनल होता है, मतलब यहाँ मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल से फाइनली मोल के प्रपोर्शनल हुआ, ठीक है। अगर सेम वॉल्यूम हमने लिया है तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो भी सेम होगा। तो यहीं से इसको एक्सटेंड करके एक और बात सामने आता है, वो क्या है कि अगर हम इनका जो जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, कोई भी अगर हम गैस ले ले, अगर उस गैस का एक मोल मॉलिक्यूल को अगर हम उठाएं, एक मोल मॉलिक्यूल अगर ले, तो उन सभी के जो वॉल्यूम होने चाहिए वो सेम आने चाहिए, करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बोला है वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। तो अगर हम इसको उल्टा अप्लाई करें, अगर हम एक मोल लें, वन मोल ऑफ एनी गैस, ये क्या होगा, इनका वॉल्यूम जो होगा सेम होगा, और वो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज 22.4 लीटर होता है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो मैंने लॉ बताया था वो भी क्या था, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे था, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मतलब कि फिक्स कंडीशन पे आप किसी भी गैस को उठा लो, उस गैस के अगर एक मोल को आप लोगे तो उसका जो वॉल्यूम जो आप मेजर करोगे 22.4 लीटर हो गए। उल्टा भी आप बोल सकते हो, किसी भी गैस के 22.4 लीटर में उसके एक मोल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे इस मोल कॉन्सेप्ट पे, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।